जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। सबसे पहले तो सभी प्यारे भक्तों को बहुत सारा शुभकामनाएं आज अहोई अष्टमी की। मैं वीडियो सुबह नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, ऊपर से निर्जला व्रत होता है ये, और ये बातें तो सभी माता बहनें जानती हैं जो इस व्रत को शुरू से करती आई हैं, है ना, और काफ़ी समय लगता है। तो ये सारी छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस मैंने आप सबके लिए पोस्ट कर दी थी जब लाला को ये सभी वस्तुएं अर्पण की गई थी। उसके बाद सोचा आपके लिए एक बड़ा वीडियो बनाऊंगी, और फिर भी मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और आज मुझे सच कहूँ तो मुझे मार्केट भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कल देखते हैं कि कल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि घर में हमारे मेरे भाई, छोटे भाई की भी शादी है इसी मंथ एंड में, और मम्मी के लिए मुझे भी समय देना पड़ेगा, तो इसलिए व्यस्तता अधिक हो रही थी। तो ये सभी दीप दान प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद शाम में अचानक से पूजा की हम तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से मेरी मैया आ गई, और ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं सुबह से अपना फ़ोन भी नहीं देख पाई थी। शायद मैया ने मैसेज भी डाला था बट मैं देख नहीं पाई, और वहीं पास में एक भक्त भी रहती हैं, वो भी दीपदान करने के लिए आ जाती हैं। तो ये प्रभु ने सौभाग्य जिसे भी दिया ये सिर्फ प्रभु की कृपा से होता है, है ना, बिना प्रभु की कृपा के नहीं हो सकता। मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। बहुत से भक्त मुझे कहते हैं दी आप हमें बुलाइए, तो मैंने सभी को बोला हुआ है कि जिस दिन भी प्रभु आपके लिए, किसी के लिए कोई भी लीला होगी मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ये पूजा अर्चना जब हो रही थी तो ऐसे ही सोना दोपहर में बोली कि तू लाला को कोई गिफ्ट दे, आज अहोई अष्टमी है यानी करुआ के लिए, मैं तो ये व्रत मेरे अपने सभी लाला लालियों के लिए रखा है। तो मैंने कहा वो तो पालनहार है, वो उसे मैं क्या दूंगी, अब तो उसे ही देना चाहिए क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत काबिल है भाई, सारे संसार को देखता है। तो आप यकीन मानेंगे मैया सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आई थी, और मैया मेरे लिए कड़े गिफ्ट में लाई, उस पर सिर्फ सोने का पानी फिरा हुआ है, सोने के नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो कोई हीरे जवाहरात से या मैं कहूँ माणिक से भी अनमोल हैं, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे लाला ने मुझे दिए हैं, और आज मुझे राधा ने भी। और यकीन मानिएगा मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं शाम को 3:30 बजे मैं जस्ट ऐसे ही लेटी थी 10-15 मिनट के लिए ही, और मुझे लाडो ने दर्शन दिए बहुत सुंदर, जिसमें वो कह रही थी कि उसे बहुत नींद आ रही है, और वो मेरे गोद में आके सो गई थी। बहुत प्यारी गोरी सुंदर सी बच्ची जिसके पैर इतने सुंदर, उस पर इतने सारे निशान थे, पैरों पे महावर लगी हुई थी, सोना कुछ लगा हुआ था, और मैं यही सोच रही थी। मैं उठते ही मैंने सोना से कहा, सोना 15 मिनट में ही मैं एकदम मेरी नींद खुली थी, और मैं सोना नहीं चाहती थी बट मेरी नींद लग गई, शायद राधा रानी को मुझे दर्शन देने थे। और आप मानिए जब मैया आई ना, तो मैया आज लाडो को लेके आई थी। हे भगवान, मैं समझ गई कि ये लाडो वही है। तब मैया ने बोला कि आज पूरा दिन ये थक गई, तो मैंने उसे देखते ही बोल दिया था कि उसे सोना है, क्योंकि स्वप्न में भी वो मेरी गोद में आके सोई थी। ये देखिए आते ही उसके बाद मैया चली गई।